वैद जी जी, मैंने अपने बचपन से एक चीज देखी है, ये जो चना होता है, ये चना हमारे जनमानस का एक अभिन्न अंग रहा है भोजन के रूप में। चने की दाल हम खाते रहे हैं, चने की बाकली हम खाते रहे हैं, भुना हुआ चना हम खाते रहे हैं, मेसी रोटी हम खाते रहे हैं, किसी न किसी रूप में बेसन हम कढ़ी में डालते हैं। चना इतनी चीज़ों में प्रयोग हो रहा है, इतनी चीज़ों में अति प्राचीन काल से प्रयोग होता रहा है, और तो और धर्मशालाओं में भी चना और गुड़ रखा जाता था। तो ये मैं जानना चाह रहा था, ये जो चना है, अब हमारी जो आधुनिक पीढ़ी है इसको लगभग इससे दूरियां बनाने लग गई है, लेकिन चने में ऐसी क्या ताकत है? घोड़े का भोजन चना है, तो चने में क्या ताकत है और यह चना जीवन में क्यों शामिल रहना चाहिए हमारे? देखिए, हमारे बुजुर्गों ने अगर इसको चने को शामिल किया हमारे भोजन के मुख्य अवयव के रूप में, तो कोई ना कोई तो उनको समझ रही होगी। ये तो सब बाकी बात की बातें हैं कि हमने उसमें पोषक तत्व तो पता कर लिए, लेकिन उस समय जब उन्होंने ये सलाह दी थी हमें और बिल्कुल ऋतु के अनुसार दी थी कि ये ऋतु आ गई है तो आप ये चीज़ खाइए, तो कोई ना कोई एक परंपरागत उनकी बुद्धि में एक समझ विकसित हुई थी स्वास्थ्य की दृष्टि से, कि उन्होंने इन चीज़ों की लोगों को प्रेरणा दी कि आप ये लोग खाएं। चना जोर गरम और चने से जुड़ी बहुत सारी बातें, और आपने कहा कि गुड़ और चना कितना शुभ माना गया, और हनुमान जी को तो सबसे प्रिय है ये कि जब भी आप भोग लगाएं गुड़ चने का लगाएं, और इसको ऐसे भी मान के चलें कि और आप कुछ नहीं कर सकते तो गुड़ चना ही चढ़ा दीजिए। तो ये बेचारा एक वंचित सी चीज़ भी है, भले गरीब समाज की सी, तो गुड़ चने का महत्व आज हम बात करें अगर आयुर्वेद की तरह से, तो आयुर्वेद ये कहता है कि ये मधुर है लेकिन थोड़ा कड़वापन भी है इसमें, ये शीत है यानी ठंडा है, लघु है, रुक्ष है ड्राइनेस पैदा करता है, और कफ और पित्त के जो रोग हैं कफ या पित्त को कम करता है। अगर शरीर में कफ और पित्त बढ़ रहा है और उसकी वजह से जो समस्याएँ हैं उन पर ये काम करता है। शक्तिवर्धक है, जैसा आपने कहा कि घोड़े की खुराक है, हॉर्स पावर, पावर तो हॉर्स से डिसाइड होती है, तो घोड़े की पावर है, और ये आम हमारे जीवन में व्याप्त भी है कि चना इसलिए भी खाइए क्योंकि उसको घोड़ा खाता है और ताकतवर बनता है और रुचिकारक है। ये ज्वरनाशक है यानी बुखार अगर हो गया तो उसको कम करता है। कुष्ठनाशक है, स्किन डिजीज में इसका बड़ा रोल है। प्रतिशा यानी कोल्ड जो है, जुकाम जिसको बोलते हैं, और लंबे समय तक जुकाम रहे उसमें बड़ा लाभकारी है। प्रमेह यानी कि डायबिटीज़ को कम करता है और मोटापे को कम करता है। अब इसकी बात करें हम आधुनिक दृष्टि से, तो अगर आप 100 ग्राम चना खाते हैं तो इससे आपको 364 कैलोरीज मिलती हैं, और एक मुट्ठी चना तो हमें रोज़ खाना ही चाहिए, 3-4 बजे के आसपास ले लेना चाहिए। अगर 100 ग्राम में हम बात करें तो इसमें 61 ग्राम तो कार्बोहाइड्रेट है, 19 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन है, और फैट जो है वो 6 ग्राम है। बहुत संतुलित चीज़ है, तो प्रोटीन का तो ये भंडार है। चने को हमेशा प्रोटीन से जोड़ के देखते हैं जी, जबकि इसमें 61 ग्राम जो है 100 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट भी है, लेकिन प्रोटीन की वजह से ये ज़्यादा मशहूर है। लोग ये भी कहते हैं कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और जो चिकन मटन वगैरह नहीं लेते, उनको अगर वो चना खाएं भरपूर मात्रा में या और तरह की दालें ले लें तो वो पूर्ति हो जाएगी। इसके अंदर सोडियम भी है 24 मिलीग्राम 100 ग्राम में, और 875 मिलीग्राम इसमें पोटेशियम है। इसके अलावा मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, फास्फोरस है, कॉपर है, फोलेट है, आयरन की एक फॉर्म होती। तो अब इतनी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर कि पोषक ये अपने आप ही बन जाएगा, शक्तिवर्धक बनेगा। और अब इसके लेने की जो कई सारी चीज़ें, जैसे आप चने का साग खाते हैं उसके अलग गुण हैं, अगर आप कच्चा चना खाते हैं तो उसके अलग गुण हैं, अगर आप भुना हुआ चना लेते हैं उसके अलग गुण हैं। और सबसे सहज आज के जीवन में भुना हुआ चना रह गया, उसको छिलके समेत खाएं क्योंकि उसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। फ़ायदा क्या है उसका कि एक तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, कब्जी नहीं होगा, हार्ट के लिए लाभकारी है, ब्लड प्रेशर को आपके नॉर्मल रखता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखता है, यही बात आयुर्वेद भी कह रहा है हजारों वर्ष पहले, ओबेसिटी आपके वजन को कम करता है, और एक और जो बड़ी बात है स्पर्म्स की संख्या बढ़ाता है चना जी। हाँ, अगर शुक्राणु किसी को कम है तो चना खाने मात्र से वो बढ़ते हैं, और इसका कहीं मैं संबंध जोड़ पाता हूँ जो घोड़े वाली बात है, आयुर्वेद में जो बाजीकरण की बात हुई है, बाज माने घोड़ा,
यानी करण माने घोड़े जैसा करना। अब घोड़ा चूंकि चना खाता है और घोड़ा जो है अश्व शक्ति अपनी जो है ताकत का भी प्रतीक है, मर्दाना ताकत का भी प्रतीक है, तो चने का कहीं कोई लॉजिक तो है जो प्राचीन काल को आधुनिकता से भी जोड़ रहा है कि वो हमारी सेक्सुअल जो पावर्स हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की उसके लिए लाभकारी है। और ये आयुर्वेद बहुत लंबे समय से कह रहा है। अब कच्चा चना खाएंगे तो वो ठंडा है, वायु करता है, पथरी, जलन और प्यास इन बीमारियों पे भी अंकुश लगाता है। साग है जो उसका चने का, वो कषाय है स्वभाव से, अम्लीय है, कफ को कम करता है, पाचन में भारी है और पित्त शामक है। तो इसकी जितनी भी फॉर्म चने की, आप चाहे वो हरा चना है या वो भुना हुआ चना है या वो किसी भी रूप में है, उसमें कमोबेश गुण तो वो सारे के सारे हैं। अब रोग के अनुसार से इसका आप चिकित्सक से परामर्श लेके कर सकते हैं कि अगर आपको जुकाम वगैरह रहता है तो उस समय आपने चने की कौन सी फॉर्म नहीं खानी वगैरह वगैरह, इसकी किसी उसमें हम चर्चा करेंगे। लेकिन कुल मिला के चना जो सहज सुलभ भी है वो आपकी डाइट का हिस्सा होना ही चाहिए आज की डेट में। और उसका खाने का सही समय यही है कि जिस समय आपको चाय का आपका टाइम होता है 4 बजे के आसपास, आप चाय को त्याग के एक मुट्ठी चना खा लें, वो आपकी बहुत सारी पोषक ज़रूरतों को ख़त्म करेगा और आपके शरीर के लिए लाभकारी रहेगा। अच्छा सर, चना पता है कैसा भोजन है जी? वो जब जन्म लेता है तो उसको हम छोटा छोटा तोड़ के उसकी चटनी भी बनती है, उसका साग भी बनता है। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसकी टाट लगती है, छोलिए बोलते हैं जी, उनका साग भी बनता है और उनकी चटनी भी बहुत शानदार बनती है। उसके बाद वो पक जाता है, पकने के बाद आपको अगर याद हो हम हरियाणा में तो खूब खाते थे, होड़ बनाते थे सर जी जी, उसको थोड़ा जला के और बड़ा टेस्टी होता था वो। फिर वो चना निकल जाता है, चना निकलने के बाद उसकी फिर उसकी मिस्सी रोटी बन जाती हैं, उसके पकोड़े बनते हैं, उसका दाल बनती है, पता नहीं हजार व्यंजन चने के हैं। तो चना बचपन से लेके और इवन जो चने का जो छिलका होता है सर, जिस पे टाट के ऊपर लगा होता है, वो बैलों और गायों के लिए सर्वश्रेष्ठ भोजन है सर। न्यार बोलते थे हमारे यहाँ तो उसको, और वो बड़ा चाव से उसको हमारे बैल खाया करते थे। तो यानी कि चना जो भारतीय समाज है उसको बिल्कुल रचा बसा चीज है। बिल्कुल। और आपने जो कहा ना कि हर रूप में हम चना खाते हैं, उसके अंकुरण से लेके लास्ट तक, ये भारतीयों की विशेषता है कि पाक विधा में और व्यंजन विधा में उनका कोई सानी नहीं है। ये अंग्रेजों में आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन हर चीज़ का प्रयोग करना और हर चीज़ का औषधीय प्रयोग होना। एक ऋषि हुए हमारे महर्षि जीवक, जब वो जब सीखने गए थे आयुर्वेद, तो उनको ये कहा गया था कि कोई ऐसा प्लांट ढूंढ के लाओ, कोई ऐसी वनस्पति जिसका औषधीय प्रयोग ना हो। और वो बहुत लंबे समय बाद जब लौट के आए अपने गुरु के पास तो वो खाली हाथ थे। तो उन्होंने कहा भी खाली हाथ क्यों? बोले जी मुझे कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं मिली जिसका औषधीय प्रयोग ना हो। सारी वनस्पतियों, सब वनस्पतियों में, तो जो भी प्रकृति दे रही है किसी भी रूप में दे रही है, वो इतनी बड़ी सौगात है मनुष्य जाति के लिए कि उसको उसका प्रयोग कर ही लेना चाहिए। तो एक मुट्ठी चना अगर आप रोज खाएंगे तो आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी, बहुत फायदेमंद चीज़ें हैं। और ये बाजार की जो अनाप शनाप चीज़ें हैं उससे बहुत बेहतर विकल्प है। और चना बेहतर भुना हुआ चना आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा, तो आप उसको आराम से एक मुट्ठी चना रोज खाइए। आप किसी और औषधि के बारे में या किसी ऐसी वनस्पति के बारे में जानना चाहते हैं जिसके गुण आपको पता नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों वैद्य से पूछ के, उस औषधि के बारे में, उस फल के बारे में, उस अनाज के बारे में आपको हम आपको ज़रूर बताएंगे। शुक्रिया वैद्य जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। नमस्कार।